नमस्कार दर्शकों, चुनावी बेला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं दीपिका, कैमरामैन अश्विनी कुमार के साथ। तो आज हम आए हैं वार्ड नंबर 11 में, जहां से पार्षद पद के लिए जो हैं वो राजीव कुमार जी खड़े हैं यहां से। तो हम उनसे जानेंगे कि उनको चुनाव चिन्ह क्या मिला है और उनका प्रचार प्रसार कैसा चला हुआ है और लोगों की कैसा समर्थन है उनके प्रति। नमस्कार सर। नमस्कार, वार्ड नंबर 11 के और हमीरपुर वासियों को मेरा, और मैं राजीव कुमार वार्ड नंबर 11 से पार्षद पद के लिए खड़ा हुआ हूँ। और मेरा जो निशान मिला मेरे को वो सिलाई मशीन है और नंबर 3 बटन का जो है मेरा वो पोजीशन है वहाँ पे। सर, जैसे आप वार्ड में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो कैसा समर्थन मिल रहा है लोगों से? देखिए, जब मैं वार्ड में घूम रहा हूँ अपने वार्ड नंबर 11 में, तो वहाँ पे काफ़ी एरिया में घूमा है वहाँ पे मैं, तो जहाँ पे जैसे बल्ली में गया मैं, तो वहाँ पे रास्ते की बड़ी समस्या है। लोग बता रहे हैं उनका जो मतलब घर का रास्ता है वो नीचे गिरने वाला है और रास्ता सरकारी है, वो उसके ऊपर कोई गौर नहीं किया जा रहा है। दूसरा सड़का में घूमा हुआ है तो वहाँ पे नालियों की बहुत बुरी हालत है, ठीक है। और उसके बाद हमारे युवा, जो हमारे युवा मोर्चा है या युवा वर्ग है हमारा, वो बेरोजगार घूमा हुआ है यहाँ वहाँ। तो हम उनके रोजगार के लिए पर उनको कुछ प्रोत्साहन दे सकते हैं अपने वार्ड मतलब कमेटी की तरफ से, कुछ भी उनको सेटल करने के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो वो मेरा मेन फोकस ज़्यादा रहा है इसमें यहाँ पे। और जो जनता मेरे को मिल रही है वो अपनी समस्याएं बता रहे हैं कि यहाँ पे पिछले कई वर्षों से हमारे साथ जो है शोषण हो रहा है, या हमारे एरिया का काम नहीं हो रहा है, या हमारे साइड बंदे आ नहीं रहे हैं या देख नहीं रहे हैं, जो प्रधान है वो अगर बनता है दोबारा आता ही नहीं है हमारे पास, ठीक है, और वोट मांगने के लिए जाता है। तो हम राजनीति करने के लिए उतरे हैं यहाँ पे। हमारा मेन मोटिव है हमारे वार्ड का केयर करना और हमारे वार्ड की तरक्की करना। क्या सर, आपकी फैमिली से पहले भी कोई राजनीति में आया है? नहीं, मेरी फैमिली से कोई राजनीति में नहीं आया है। मेरे पिताजी एक्स सर्विसमैन थे और मैं खुद एक शिक्षण संस्थान में पढ़ाता हूँ, और ना ही मेरा राजनीति को बैकग्राउंड है और ना ही हम राजनीति करने आए हैं। मैं पहले आपको बोला है मैं राजनीति करने नहीं आया हूँ। मेरा सिर्फ मेन फोकस जो है वो वार्ड के लिए है और वार्ड की जनता के लिए है। आप क्या जो है मेन मुद्दे लेके, प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? मेरी पहली प्राथमिकता जो है वो सड़का की नालियाँ हैं हमारी, बहुत ही गंदी हैं, उसके अंदर बहुत ही गंदा पानी रुका हुआ है। और मैं बोलता हूँ ये अभी की नहीं है पानी, वो पिछले कुछ वर्षों से लगातार वहाँ पर पानी ठहरा हुआ है और उसके अंदर कागज़ पड़े हैं, काफ़ी गंदगी पड़ी है। और बरसात में जो आप देखते हैं कि मलेरिया की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो वो सबसे पहला कारण है वहाँ का मलेरिया का, कि जो वहाँ पे दुकानदार हैं वहाँ गंदी बदबू चलती है उस नाली से, और वो उनके प्रति कुछ नहीं किया जा रहा उस नाली के प्रति, कोई उनके प्रति सुन नहीं रहा वहाँ पे उनकी, ठीक है। और दूसरा जो है रास्ते, हमारे रास्तों का बहुत ही खस्ता हालत है। मैं बल्ली में गया था, वहाँ पर देखा मैंने, वहाँ पर रास्ता बहुत बुरा हाल, रास्ते का पूरे रास्ते में हरी काई लगी हुई है और ना कोई देखा जा रहा है। बड़ू में जो हमारा पॉलियो रास्ता गया है, वहाँ की नालियाँ फाड़ दी गई हैं, उन पर कोई काम ही नहीं हुआ, पिछले 2 साल से कोई काम नहीं किया उनके ऊपर। हमारे लालड़ी में हमारा जो मेन रोड है यहाँ से गया है, उसके बहुत ही बुरा हाल है, उसका गड्ढे बने उसके अंदर, ऊंचे नीचे रैंप बन गए हुए हैं उसके अंदर, ठीक है। तो उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। तो उन सभी की जो समस्याएं हैं उनको देखते हुए मैंने अपने मन में ये विचार बनाया कि क्यों ना इस बार युवा वर्ग को मौका दिया जाए, और युवा को आगे होना पड़ेगा। युवा आगे नहीं बढ़ेंगे तो देश आगे नहीं बढ़ेगा, हमारा राज्य आगे नहीं बढ़ेगा, हमारा वार्ड आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए इस बार मैंने ये सोच के मैंने पार्षद पद के लिए इस बार उम्मीदवार चुनाव लड़ने की कोशिश की है। तो सर, जैसे हम जितने भी वार्डों में गए तो वहाँ पे जो है मेन मुद्दा जो सीवरेज का बता रहे हैं, क्या यहाँ पे भी वैसी कोई प्रॉब्लम है लोगों की सीवरेज की? यहाँ पर भी सीवरेज की बहुत जल समस्या बनी हुई है। हमारे घर के सामने आप चाहे घूमा कैमरा दस्ते हैं, यहाँ पे भी सीवरेज की बहुत प्रॉब्लम है। हमारे कोई कनेक्शन नहीं दिए गए सीवरेज के, और कई सालों से काम चला हुआ सीवरेज का, चल रहा है। वार्ड नंबर 11 जो है वो मेन गढ़ बना हुआ सीवरेज के लिए, कि सीवरेज है ही नहीं यहाँ पे, कई घरों में है ही नहीं, और जहाँ पे है वहाँ चल रही है, पर जहाँ पे नहीं है वहाँ पे है ही नहीं। और उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया कमेटी के साइड से, कि क्या बोलते हैं कि वार्ड नंबर 11 में सीवरेज देनी भी है, या हमारे जो मतलब हमारे पीछे भावी रह चुके हैं उन्होंने इसको आगे पहुंचाया ही नहीं बात को। तो मेरा ये भी मेन मुद्दा रहेगा कि जो सीवरेज की प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व किया जाए। ओके, धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे वार्ड नंबर 11 के राजीव कुमार जी, जिन्होंने बताया कि वो राजनीति के लिए नहीं उतरे हैं, बल्कि वार्ड की जो भी लोगों की समस्याएं हैं उनको अच्छे से पूरा करेंगे और ईमानदारी के साथ करेंगे। तो ये थे वार्ड नंबर 11 से राजीव कुमार जी।